हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। तो मिट्टी के चूल्हे पर तो आपने खाए होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इधर मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है, 1 कप मैंने दूध लिया, 1 कटोरी मैंने चीनी लिया और साथ में मैंने घी लिया है। और कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने 4 चम्मच घी डाला है। यहाँ मैंने गाजर 500 ग्राम लिया है, तो उसके क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 4 चम्मच यहाँ घी डाला है। तो यहाँ घी हमारा गर्म हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें गाजर को डालते जाएंगे और इसे 10 मिनट तक इसी तरह मिलाते रहेंगे। तो 10 मिनट हो गया, गाजर भी हमारा हल्का पक गया है। तब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि ये गाजर में अच्छे से घुल जाए। जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो आप पहले गाजर को अच्छे से पका लें, फिर उसमें चीनी डालें, इससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो चीनी भी हमारा इसमें अच्छे से घुल गया है। इसमें हम मैंने ड्राई फ्रूट डाला है, आप अपने मनपसंद इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसमें मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में। और 3 मिनट तक मैंने इसे मिला लिया है और इसमें मैंने फुल क्रीम दूध डाला है। जब भी गाजर का हलवा आप बनाते हैं तो उसमें फुल क्रीम ही दूध डालें, इससे इसका टेस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। दूध को तब तक सुखाना है जब तक गाजर में अच्छे से ये जो अच्छे से सूख ना ले, तब तक आप इसी तरह मिलाते रहें। यहाँ जो गाजर है जो दूध को अच्छे से सूख लिया, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आप भी चूल्हे पर के अगर नहीं बना है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई किया करें, आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।